हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर ने यह जानना चाहा है कि रेलवे के पास इतनी बिजली कहां से आती है कि वह एक सेकंड के लिए भी नहीं कटती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिसिटी ओवर ए ट्रैक्शन वायर के द्वारा दिया जाता है, जिसमें सिंगल फेज 25 KV की सप्लाई होती है। इस ओवरहेड वायर को सप्लाई रेलवे ट्रैक्स के किनारे हर 40 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित ओएचई पोल के सहारे भेजा जाता है। दोस्तों, अब बात करें मेन क्वेश्चन की कि इस ट्रैक्शन वायर में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है जो कभी नहीं कटती है। तो इसके लिए रेलवे राज्य सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करती है। दोस्तों, राज्य सरकार इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ स्थापित पावर प्लांट से लेती है, जिसे ग्रिड की सहायता से रेलवे के ट्रैक्शन वायर तक पहुँचाती है। अब आपको बातें समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हो रही है। दोस्तों, जितने भी पावर प्लांट होते हैं, चाहे वह थर्मल पावर हो या हाइड्रो पावर हो, वहाँ पर 24 आवर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है वह एक अलग टॉपिक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वह 22 KV की होती है, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 400 KV में कन्वर्ट करके ग्रिड में पोस्ट की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि प्लांट से 22 KV की सप्लाई को डायरेक्ट ग्रिड में पोस्ट क्यों नहीं किया जाता, इसे 400 केवी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका जवाब यह है कि जो प्लांट से 22 केवी की सप्लाई जनरेट होती है उसका करंट इतना ज़्यादा होता है कि उसे अगर पतले वायर में भेजा जाए तो वह हीट होकर गल जाएंगे। इसीलिए वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे करंट कम हो जाते हैं और इसे पतले वायर में भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, ग्रिड गवर्नमेंट की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है। ग्रिड की इस सप्लाई को सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 400 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट किया जाता है। रेलवे इसी 132 केवी की सप्लाई को अपने सब स्टेशन तक लाती है, जहां से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से इसे 25 केवी की सिंगल फेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसे ट्रैक्शन वायर को दे दिया जाता है। इस तरह से पावर प्लांट से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी रेलवे के ट्रैक्शन वायर तक पहुंचती है, जो कि 24 आवर कंटिन्यू रहती है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश एक प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो दूसरे प्लांट से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है, क्योंकि सारे प्लांट ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं और इसी ग्रिड से रेलवे के ट्रैक्शन वायर कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रेलवे के ट्रैक्शन वायर में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है जो कि एक सेकंड के लिए भी नहीं कटती है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।